बायो कंट्रोल एजेंट्स किसको कहते हैं और माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले समझिए कि बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता है। बायो कंट्रोल का मतलब होता है कि हम लोग बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करेंगे। किस काम के लिए? फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। तो प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए बीटल का यूज करते हैं, रेड एंड ब्लैक मार्किंग बीटल जिसको लेडी बर्ड्स कहते हैं, या ड्रैगन फ्लाइज का यूज करते हैं। हम लोग को मॉस्किटोस और एफिड्स का नंबर्स को कंट्रोल करना है, तो इस तरह से हम लोग लेडी बर्ड्स या ड्रैगन फ्लाइज का यूज करके एफिड्स और मॉस्किटोस का नंबर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं बायो कंट्रोल। सिमिलर एग्जाम्पल्स जैसे कि कोई माइक्रोब्स, बीटी माइक्रोब्स का यूज करते हैं। बीटी मतलब बैसिलस थुरिंगेंसिस। बैसिलस थुरिंगेंसिस जो है उसका स्पोर्स, इस बैक्टीरिया का स्पोर्स अवेलेबल है सैचे में, इसको वाटर के साथ मिक्स करके हम लोग वल्नरेबल प्लांट्स पर स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि ब्रैसिकास प्लांट्स पर या फ्रूट ट्रीज पर। और इस प्लांट्स पर जो लार्वी, इंसेक्ट्स लार्वी होते हैं, जब ये स्प्रे जो हुआ है इस प्लांट्स के लीफ को जब खाएंगे तो इसके गट में जाकर के वो टॉक्सिन रिलीज करेगा और लार्वी मर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हैं कैटरपिलर्स के नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए, कैटरपिलर्स को किल करने के लिए। और इस तरह से सिर्फ कैटरपिलर्स को नुकसान पहुंचता है और अदर इंसेक्ट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये भी बायो कंट्रोल का एक एडवांटेज है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का विकास होने की वजह से कुछ पिछले दशकों में साइंटिस्ट जो है बैसिलस थुरिंगेंसिस टॉक्सिक जीन्स जो है प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जैसे कि बीटी कॉटन प्लांट। तो इस प्लांट्स पर अब इंसेक्ट्स अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अटैक करेंगे तो वो इंसेक्ट्स का लार्वी जो है मर जाएंगे। और एक फैमिलियर एग्जांपल जो बायो कंट्रोल का है वो है फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो है वो फ्री लिविंग फंगजाई है और जो रूट इकोसिस्टम्स में मोस्टली पाया जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिव है बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह, जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करते हैं। बैक्यूलो वायरसेस भी ऐसा माइक्रोब्स है जो पैथोजेंस की तरह काम करते हैं फॉर सर्टेन इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। ये मेनली जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस में आता है। बैक्यूलो वायरसेस का यूज जो है किसी भी दूसरे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स या फिश पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं डालते हैं। ये सिर्फ टारगेट इंसेक्ट्स को ही हार्म करते हैं, नॉन टारगेट इंसेक्ट्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है बैक्यूलो वायरसेस के यूज से। ये वायरस स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं और ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में बहुत ही बेनिफिशियल है, खास करके इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में। जब हम लोग पेस्ट का कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस तरह का बायो कंट्रोल मेथड्स बहुत ही यूजफुल होता है। एग्रीकल्चर में हम लोग नेचुरल प्रेडेशन के मेथड से पेस्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल्स का यूज करना, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना बहुत ही हार्मफुल होता है, एक्सट्रीमली हार्मफुल ह्यूमन बींग्स के लिए और साथ में अदर एनिमल्स और अदर माइक्रोब्स, अदर फ्लोरा एंड फौना के लिए भी। एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं केमिकल्स का यूज, सॉइल, ग्राउंड वाटर सबको पॉल्यूट कर देते हैं वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज। इसीलिए नेचुरल प्रेडेशन मेथड्स पर रिलाई करना ही अच्छा होगा, क्योंकि फार्मर्स जो है, ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है, ये बिलीव करते हैं कि जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा उतना अच्छा इकोसिस्टम होगा, उतना हेल्दी इकोसिस्टम होगा और उतना सस्टेनेबल भी होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है वो होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है? होलिस्टिक अप्रोच मतलब दे वर्क्स टू क्रिएट ए सिस्टम वेयर द इंसेक्ट्स दैट आर समटाइम्स कॉल्ड pests are not eradicated but instead are kept at manageable levels by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem. तो जब biological farming हो रहा होता है तो उस biological farming में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग familiar हो जाएं various life forms के बारे में और उसके habitats के बारे में, और वो किस एग्रीकल्चरल फील्ड में पाया जाता है, उसके प्रेडेटर्स के बारे में और उसके लाइफ साइकिल्स के बारे में, उसके पैटर्न्स ऑफ फीडिंग्स के बारे में। दिस विल हेल्प डेवलप एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल।